हाय दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह ले चलेंगे जो अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। ये जगह है वेनिस, एक ऐसा शहर जो अपने अद्वितीय सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। आज मैं आपको वेनिस की गलियों में घुमाने ले जा रहा हूँ। यहाँ की तंग गलियां और संकरी सड़कों में घूमना एक अलग ही अनुभव है। हर मोड़ पर आपको कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलेगा। हाँ, वही वेनिस जिसे पानी का शहर भी कहते हैं। ये शहर अपने नहरों और पानी के रास्तों के लिए मशहूर है, जो इसे दुनिया के अन्य शहरों से अलग बनाते हैं। नहरों और खूबसूरत इमारतों से भरा ये शहर अपने आप में अनोखा है। यहाँ की वास्तुकला और ऐतिहासिक इमारतें आपको पुराने समय की याद दिलाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं ये सफर। वेनिस की यात्रा में आपको हर कदम पर कुछ नया और रोमांचक देखने को मिलेगा। पहले पड़ाव पर चलते हैं सेंट मार्क्स बेसिलिका। ये चर्च वेनिस का सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये चर्च तो अपनी शान और निराली डिजाइन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसकी वास्तुकला और डिजाइन आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। सोने के मोजाइक और भीतरी सजावट देखकर आपको लगेगा जैसे आप किसी सपने में हैं। यहाँ की हर दीवार और छत पर की गई नक्काशी अद्वितीय है। अब बारी है ग्रैंड कैनाल की। ये नहर वेनिस की जान है और इसे देखे बिना आपकी यात्रा अधूरी रहेगी। वेनिस की जान है ये नहर। यहाँ की हलचल और गतिविधियाँ आपको इस शहर की जीवंतता का अनुभव कराएंगी। यहाँ गंडोला राइड्स का मजा ले सकते हैं। यह राइड आपको वेनिस की नहरों के माध्यम से शहर की सुंदरता का अनुभव कराएगी। वही गंडोला जो आपने फिल्मों में देखे होंगे, यह राइड आपको एक रोमांटिक और यादगार अनुभव देगी। नहर के दोनों तरफ पुरानी इमारतें और पुल इस शहर की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। यहाँ की हर इमारत और पुल की अपनी एक कहानी है। अगला स्टॉप है रियाल्टो ब्रिज। यह पुल वेनिस का सबसे पुराना और मशहूर पुल है। ग्रैंड कैनाल का सबसे पुराना और मशहूर पुल, यह पुल वेनिस की पहचान है और यहाँ से शहर का अद्भुत नजारा दिखता है। यहाँ से पूरे कैनाल का दिलकश नजारा दिखता है। इस पुल पर खड़े होकर आप वेनिस की सुंदरता को निहार सकते हैं। इस पुल पर खड़े होकर वेनिस की रंगीन दुनिया को निहार सकते हैं। यहाँ की हरियाली और पानी का संगम एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। वेनिस का खाना भी लाजवाब है। यहाँ के खाने का स्वाद आपको हमेशा याद रहेगा। यहाँ का पिज्जा, पास्ता और गैलाटो तो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। ये खाने की चीजें वेनिस की यात्रा को और भी खास बना देती हैं। असली इटालियन पिज्जा और फ्रेश गैलाटो का स्वाद चखिए, फिर कहीं और का खाना पसंद ही नहीं आएगा। यहाँ के खाने का स्वाद आपको बार बार यहाँ आने के लिए मजबूर कर देगा। अंत में बात करते हैं वेनिस के सनसेट की। यहाँ का सनसेट एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। नहरों पर पड़ती सूरज की किरणें और आसमान के बदलते रंग इस यात्रा को और भी खास बना देंगे। यह दृश्य आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। ये एक ऐसा नजारा है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। यहाँ का सनसेट वेनिस की यात्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थी वेनिस की एक झलक। उम्मीद है आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगले सफर पर। तब तक मस्त रहो, घूमते रहो, अलविदा। तब तक मस्त रहो, घूमते रहो, अलविदा। वेनिस की इस यात्रा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें।